जय माता दी, आज मैं इस ड्रेस के साथ की ये कैप बता रही हूँ। ये इस तरीके से दो बार राउंड लगाए हमने, और दो राउंड लगाने के बाद ऐसे हमें अपनी चेन बनानी है। एक दो, दो चेन बनाने के बाद चेन सहित हमें 26 क्रोशिये लेने हैं। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस। ये हमारे 26 क्रोशिये हैं, और 26 क्रोशिये लेने के बाद पहले ये हमें ये थोड़ा सा धागा टाइट करना है। अब ये हमें जो सा टाइट हुआ, हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमारा कौन सा पहले हमें टाइट करना था। वो पहले टाइट करके अभी हम इस तरीके से दोनों धागे टाइट करके ये हम यहाँ जॉइंट करेंगे जो हमारी चेन है। ये ऐसे चेन में यहाँ जॉइंट करके एक दो, ये दो चेन लेने के बाद, क्योंकि हम ज़्यादा हाइट क्रोशिए की नहीं रखेंगे, इसी में जिसमें चैन से अगले इसमें इससे अगले वाले क्रोशिए में हमें फिर क्रोशिया लेना। और ये सारी चैनन में हमारे 26 क्रोशिए पहले राउंड में चैन सहित, और इसमें भी हमारे चैन सहित 26 ही क्रोशिए होंगे। हम इसमें चैन सहित 26 ही क्रोशिए बनाते हुए ये अपने इस तरीके से पाँच राउंड बनाने। हर एक चेन में एक एक क्रोशिया बनाते हुए पांच राउंड कंप्लीट हो गए। एक दो तीन चार पांच। अब ये मैंने यहाँ जॉइंट करके एक चेन ले ली। एक चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ अपनी फर्स्ट चेन में एक क्रोशिया लूँगी। अब एक क्रोशिया लेके ये दो मैंने हाफ क्रोशिया लिए, इस जगह मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी पहले, और जब यहाँ एक चैन लूंगी। एक चैन लेने के बाद एक दो तीन चार, ये चार क्रोशिया लेने के बाद एक चैन, और फिर यहीं से स्लिप स्टिच। अब इससे अगले में
मुझे हाफ क्रोशिया लेने एक दो तीन, ये तीन हाफ क्रोशिया लेने के बाद अब इससे अगली चेन में मुझे स्लिप स्टिच लेनी है। ये ऐसे लेकर अब यहाँ मुझे एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद एक दो तीन चार, अब एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद यहीं स्लिप स्टिच लेनी है। अब मुझे तीन हाफ क्रोशिया लेने, एक दो तीन, फिर मुझे इससे अगली चेन में चौथी चेन में स्लिप स्टिच लेनी है। और अब एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद एक दो तीन चार, एक चेन लेके वापिस इसमें स्लिप स्टिच लेनी है। एक दो एक दो तीन, तीन हाफ क्रोशिया लेने के बाद अब यहाँ स्लिप स्टिच एक, अब के मैं दो हाफ क्रोशिया लेती हूँ। ये दो हाफ क्रोशिया हो गए मेरे, इससे अगले में स्लिप स्टिच एक दो, एक चेन लेने के बाद एक दो तीन चार, चार के बाद एक चेन, एक चेन के बाद फिर इसी में स्लिप स्टिच। अब हाफ क्रोशिया तीन, एक दो तीन, तीन के बाद अगले में स्लिप स्टिच लेनी है। एक चेन, एक चेन के बाद एक दो तीन चार, चार ऐसे लेने के बाद ये ऐसे एक चेन लेनी है। इसे बनाने के बाद फिर यहाँ स्लिप स्टिच लेनी है इसी जगह उसी चेन में, वापस स्लिप स्टिच लेके एक हाफ क्रोशिया दो, अब के मैंने फिर दो हाफ क्रोशिया लिए हैं। तीसरे वाले में मुझे ये बनाना है, स्लिप स्टिच लेनी है पहले, अब एक चेन, एक चेन के बाद एक दो तीन चार, अब एक चेन, एक चेन के बाद जिसमें ये मैंने बनाया उसी में वापस मुझे स्लिप स्टिच लेनी है। पहले भी मैं स्लिप स्टिच लेती हूँ और अब मुझे इसमें एक दो और तीन, ये मैंने तीन हाफ क्रोशिया बनाने के बाद अब इसमें चौथी चेन में मुझे स्लिप स्टिच लेनी है। इसे स्लिप स्टिच लेने के बाद फिर मुझे एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद अब फिर मुझे वापस इसी में ऐसे ही बनाना, एक दो तीन चार, चार बनाने के बाद अब एक चेन लेके और मुझे फिर वापस इसी में जॉइंट करना, और मुझे ये अपना इस चेन में है जॉइंट करना। ये जॉइंट करके मुझे ये यहाँ धागा कट करना।
कट करना है। और इसमें मैंने यहाँ दो चैन ली है, यहाँ तीन ली है, यहाँ भी तीन ली है, यहाँ दो ली है, यहाँ तीन ली है, यहाँ दो ली है। मैंने तीन जगह एक दो तीन, तीन जगह दो दो चैन ली है और चार जगह मैंने तीन तीन चैन ली है। राउंड बनाती हूँ। ये मैंने अपना यहाँ तीसरी चैन में इस तरीके से जॉइंट कर रही हूँ। एक यहाँ चैन लेके ये दो चैन लें, दो चैन लेने के बाद मुझे यहाँ इसमें इस जगह हुक डालकर इस चैन में ना ऐसे लेना है और इसमें स्लिप स्टिच लेनी है। ये ऐसे स्लिप स्टिच लेके वापस मुझे दो चैन लेनी है, एक दो। दो चैन लेने के बाद अब मुझे इसमें पांच क्रोशिये लेने, एक क्रोशिया बहुत छोटा करके लेना और चैन भी टाइट करके, दो तीन चार पांच, एक दो। दो चैन लेने के बाद एक दो, दो चैन लेने के बाद जो ये मेरी ऊपर चैन बन रही है उस चैन में ये दो चैन लेकर जो मेरी ऊपर चैन बनी है उसमें मुझे फिर पांच क्रोशिये लेने, इसमें जॉइंट नहीं लेना बस क्रोशिये लेने, दो तीन चार पांच, एक दो। दो चैन लेने के बाद मुझे जो ये मेरी यहाँ की चैन है इस साइड की, इस वाली चैन में यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट करना, ये यहाँ ऐसे जॉइंट करके और इसमें मुझे इसे थोड़ा सा टाइट वो करना ऊपरली मैंने ऐसे कर देना। अब इसमें मुझे वापिस दो चैन लेनी है, दो चैन लेकर फिर इसमें मुझे वापिस पांच क्रोशिये लेने, एक दो तीन चार पांच, एक दो। दो चैन लेने के बाद इसी चैन में ऐसे हुक डाल के और इस वाली चैन में जिसमें मैंने ये बनाए हैं उस चैन में ने मुझे ऐसे स्लिप स्टिच लेनी है। अब मुझे ये देखने मेरे यहाँ कै क्रोशिये बने हैं, यहाँ मेरे तीन क्रोशिये आए तो मुझे तीन ही चैन लेनी है, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद एक चैन लेनी है, एक चैन लेने के बाद एक चैन लेके और मुझे इसमें बीच वाले क्रोशिये में जॉइंट करना है। ये ऐसे बीच वाले क्रोशिये में जॉइंट करके अब फिर मुझे एक चैन लेनी है, तो ये मेरी तीन चैन के बराबर हो गया। इसमें मुझे फिर यहाँ से ऐसे हुक डाल के और ये ऐसे ही स्लिप स्टिच बनानी है, एक दो। दो चैन लेने के बाद इसी वाली चैन में यहाँ वाली में मुझे पांच क्रोशिये लेने, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो। पांच चैन लेके वापिस इसी में मुझे जॉइंट करना स्लिप स्टिच के साथ। अब इससे फिर दो चैन लेनी है, दो चैन लेके जो इससे ये यहाँ वाली मेरी चैन है इसमें मुझे केवल पांच क्रोशिये लेने, एक दो तीन चार पांच, एक दो।
दो चैन लेने के बाद अब मुझे इस वाली चैन में ये इसका यहाँ स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना है। ये ऐसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करके एक दो दो चैन लेने के बाद फिर मैं इसी में पांच क्रोशिए फिर बनाऊंगी। दो तीन चार पांच एक दो दो चैन बनाने के बाद इसी चैन में से और इस यहां ऐसे हुक निकालना, मुझे डालना अपना इसमें ऐसे हुक डाल के और इसकी स्लिप स्टिच बनानी है। अब एक चैन और इनके बीच में मुझे क्रोशिया ऐसे हाफ क्रोशिया बनाना है। अब ये हाफ क्रोशिया बना के फिर एक चैन लेनी है और इस जगह हुक डालना मुझे अपने क्रोशिया, ये इस जगह हुक डाल के और इस चैन में लेना है यहाँ जो ये मेरी यहाँ चैन है ये वाली इस जगह से और इस जगह मुझे ऐसे हुक डाल के क्रोशिया और अपनी स्लिप स्टिच बनानी है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद दो चैन बनानी है। दो चैन बनाने के बाद मुझे वापिस यहाँ पांच क्रोशिया लेने, एक दो तीन चार पांच एक दो चैन लेने के बाद इसी चैन में मुझे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना है। एक दो दो चैन लेने के बाद जो ये मेरी ये यहाँ ऊपर वाली चैन है इसमें केवल मुझे पांच क्रोशिया ही क्रोशिया लेने, एक दो तीन चार पांच। जैसे मैंने ये दो फूल बनाए हैं ऐसे मैं इसे बनाते हुए और अपने मेरे ये ऐसे सात फूल बनेंगे और यहाँ बीच में एक बार हाफ क्रोशिया लेना और एक एक चैन लेनी है दोनों तरफ और ये राउंड मुझे ऐसे ही कंप्लीट करना। दो दो चैन लेने के बाद अब मुझे ये इसमें यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। इस स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइंट करके एक दो दो चैन लेने के बाद मुझे वापस इसी में पांच क्रोशिया लेने, एक दो तीन चार ये पांच एक दो ये पांच क्रोशिया लेने के बाद ये यहाँ ऐसे ही इसी चेन में हुक डाल कर और इसी तरीके से स्लिप स्टिच से जैसे पहले से जॉइंट करते हुए आ रहे हैं ये ऐसे जॉइंट करना। ये जॉइंट करके यहाँ एक चेन लेके अब मुझे जो मैंने यहाँ क्रोशिया बनाया इसी में ये स्लिप स्टिच से ही जॉइंट करना है। अब ये धागा कट करना है, ये धागा कट करके और ये इसमें मुझे ऐसे इस तरीके से कट करना है। ये इस तरीके से धागा लेके ये ऐसे
एक दो तीन, यहाँ मुझे एक दो तीन चार, ये मैंने चार क्रोशिया लेने के बाद, अरे एक क्रोशिया मेरा चेन का, अब ये ऐसे टाइट करना है, एक दो, दो चैन लेने के बाद वापस मुझे इसी में क्रोशिया लेना, एक, इसमें मेरा ये एक क्रोशिया बढ़ गया, नीचे वाले में मेरे चैन सहित पांच क्रोशिये हो गए, चार क्रोशिये लिए एक चैन का हो गया, इसमें मेरे सात क्रोशिये हो जाएंगे, दोनों तरफ मैं एक एक क्रोशिया बढ़ा रही हूँ, ये जो मेरा चेन का है इसमें मुझे यहाँ बीच में से ऐसे हुक डाल के और इसमें चेन में मुझे दो क्रोशिये लेने, दोनों तरफ मेरे दो क्रोशिये बढ़ जाएंगे, ये मेरे दोनों तरफ दो क्रोशिये बढ़ गए, अब मुझे वापस दो चैन लेनी है, एक दो, दो चैन लेने के बाद मुझे फिर वापस इसी में क्रोशिया लेना, तो मेरा ये यहाँ पे एक क्रोशिया और बढ़ गया, अब क्या ये मेरे नौ क्रोशिये हो जाएंगे, दोनों तरफ फर्स्ट में मेरे चैन सहित पांच क्रोशिये, उससे अगले में मेरे चैन सहित सात क्रोशिये, इसमें मेरे चैन सहित नौ क्रोशिये हो जाएंगे, उससे अगले में मैंने दोनों तरफ एक एक क्रोशिया बढ़ाया, इसमें भी मैं दोनों तरफ एक एक क्रोशिया बढ़ा रही हूँ, ये मुझे चैन में दो क्रोशिये लेने, चैन आ गई मेरी, अब मुझे यहाँ एक चैन लेनी है, ये मेरे नौ क्रोशिये हैं, मुझे इसमें यहाँ नहीं लेना, ये चैन छोड़ कर इससे अगली चैन में मुझे छह क्रोशिये लेने हैं डबल, एक दो अब इन बीच के इनकी दो की थोड़ी सी हाइट बढ़ा देनी है, अब दो छोटे करके लेने, अब ये एक चैन छोड़ के और इससे अगली चैन में मुझे स्लिप स्टिच लेनी है,
अब इससे अगले में मुझे फिर एक चेन छोड़कर इससे अगले में मुझे 6 क्रोशिये फिर लेने, एक दो अब इन दोनों की थोड़ी सी सी हाइट बढ़ानी है, अब दोन की और छोटी हाइट करनी है। पांच ये मेरा छठिया के रोशिया आए हैं। इसमें मुझे छठे की क्रोशिया में छठा की क्रोशिया बनाने के बाद इन्हें हम सुई से एडजस्ट कर देंगे धागे इनको। अब ये 6 क्रोशिया लेने के बाद जो मेरी लास्ट में वाली इस साइड की चेन है उसमें मुझे ये जॉइंट करना है स्लिप स्टिच के साथ। ये ऐसे जॉइंट करके और मुझे ये धागा कट करना है, इतना धागा मुझे सिलाई के लिए लेना कट करके। और ये जो दोनों धागे हैं मेरे यहाँ के इनमें मुझे यहाँ ऐसे जॉइंट लगा देना। ये आप इसमें कहीं भी किसी भी साइड में लगा देना क्योंकि बस केवल मैं इसमें एक ये ऐसे अपनी यहाँ ये ऐसे बनाएंगे हम। इसे बना के फिर हम ये सुई इस साइड में लिकाड़ेंगे। ये इस साइड में ऐसे लिकाड़ के यहाँ इस तरीके से लिखाड़ेंगे।
ये हम सुई पे इस तरीके से धागा लपेट के, ये धागा अब हम यहाँ कट करेंगे। ये धागा हमने कट कर दिया, अब ये हमारी टोपी कंप्लीट है।